गुड मॉर्निंग डेयर स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन इन द क्लास ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग स्पेशल टॉपिक तो जिसमें हम जिक्स एंड फिक्सर पर बात कर रहे हैं आजकल और जिक्स एंड फिक्सर के लिए हम एक पोर्शन उसका कंप्लीट कर चुके हैं आइए आगे बढ़ते हैं आज आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लैंपिंग डिवाइसिस के बारे में कि क्लैंपिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है ठीक है सबसे पहले समझते हैं कि क्लैंपिंग डिवाइस का काम क्या है याद रखना क्लैंपिंग डिवाइस जो है बच्चों वो जिक्स एंड फिक्सर का ही हिस्सा है नो no डाउट जिक्स एंड फिक्सर का ही हिस्सा है लेकिन लेकिन क्लैंपिंग डिवाइस एक एडिशनल एफर्ट है यानी कि जिक्स एंड फिक्सर से भी आप वर्क पीस को होल्ड करते हो ठीक है सपोर्ट करते हो लोकेट करते हो और जिक के केस में कटिंग टूल को भी गाइड किया जाता है लेकिन क्लैंपिंग डिवाइस भी चाहिए एज एन एडिशनल एज एन एडिशनल इसका काम भी सपोर्ट और लोकेट करना है सपोर्ट एंड लोकेट करना होता है क्लैंपिंग डिवाइस का ठीक है अब क्लैंपिंग डिवाइस जो है बच्चों वो वर्कपीस को होल्ड करती है ठीक है किसके अगेंस्ट और किस चीज में मदद करती है देखिए जब मशीनिंग होगी तो कटिंग टूल वर्कपीस पे फोर्स लगाएगा तो उसी फोर्स के अगेंस्ट ठीक है उसी फोर्स के अगेंस्ट क्लैंपिंग जो है मदद करती है वर्कपीस को अपनी जगह से हिलने नहीं देती बेटा मशीनिंग वाला लेक्चर कल पोर्टल पे हुआ मशीनिंग का लेक्चर मैं नहीं ले रहा हूं अभी यहां ठीक है तो अगेंस्ट द फोर्स अप्लाइड ओवर इट यानी कि जब मशीनिंग होगी तो कटिंग टूल वर्कपीस को हिलाने की कोशिश करता है अपनी जगह से उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्लैंप का यूज किया जाता है क्लैंप का यूज किया जाता है ठीक है याद रखना क्लैंप को फिक्सर के साथ यूज करते हैं हमेशा आपको यह याद रखना है ठीक है तो क्लैम्प का क्या मतलब है क्लैंप भी जिक्स एंड फिक्सर की एक एडिशनल डिवाइस है जिसका काम वर्कपीस को होल्ड करना है किसके अगेंस्ट किसके अगेंस्ट बच्चों तो काम करेगा तो ऐसा पॉसिबल है कि वर्कपीस अपनी जगह से हिल जाए तो इसे अवॉइड करने के लिए हम क्लैंपिंग डिवाइस का यूज करते हैं ओके okay, यूज करते हैं अब जो क्लैंपिंग डिवाइस है अगर आप देखें ध्यान से कुछ इस तरीके से होती है मान लीजिए ये आपका वर्कपीस है ये वर्कपीस है अब इसके नीचे यहां पर ये एज ए आपने फिक्सर या लोकेटर ये आपके लोकेटर पिन है दीज आर लोकेटर पिन लोकेटर पिन ठीक है लोकेटर पिन होती हैं ठीक है और यहां पर ये क्लैम्पिंग स्क्रू है ये वाला जो स्क्रू है बच्चों इसे कहेंगे क्लैम्पिंग या क्लैंपिंग डिवाइस कहेंगे यहां पर क्लैंपिंग डिवाइस ठीक है तो कैसे आप एक स्क्रू की मदद से कैसे आप एक स्क्रू की मदद से क्लैंप कर रहे हैं तो आपको लगेगा जैसे यह भी फिक्सर का ही हिस्सा है तो बिल्कुल होता है क्लैंपिंग डिवाइस भी फिक्सर का ही हिस्सा होता है सर तो क्विल होल्ड करता है वर्कपीस को या क्लैंप करती है बेटा क्विल तो सपोर्ट करता है सिर्फ क्विल सपोर्ट करता है अब जो सपोर्ट करता है वो होल्ड भी करता है लेकिन किसी तरीके से लोकेट नहीं करेगा वर्क पीस को यह नहीं बताएगा कहां ऑपरेशन होना है ठीक है लेकिन होल्ड करते हैं लेकिन क्लैंपिंग डिवाइस साथ साथ लोकेट भी करती है मैंने अभी समझाया ना आपको अभी समझाया मैंने आपको ये लोकेट भी करती है होल्ड तो करती करती है साथ साथ लोकेट भी करती है क्विल जो है वो लोकेट नहीं करेगा वो एक सपोर्टिंग एलिमेंट है बस समझ में आई बात ओके ठीक है तो ये देखिए ये सिंगल स्क्रू है ये डबल स्क्रू है ठीक है ये सिंगल स्क्रू है एक एग्जाम्पल यहां पर ये देखिए वर्कपीस है इसके ऊपर ये आपने हुक बोल्ट लगाया है ध्यान से देखिए हुक बोल्ट ठीक है तो ये हुक बोल्ट आपका जे शेप का होता है और वर्कपीस को होल्ड करके रखता है अपनी पोजिशन पर वर्कपीस को अपनी पोजिशन पर होल्ड करके रखता है विद द हेल्प ऑफ दिस बोल्ट तो ये हुक बोर्ड ये आपकी पिंस ठीक है या फिर आ, आपकी लोके, क्लैंपिंग डिवाइस जो है ये और ये नीचे वाली जो है ये सारी लोकेटर पिन है ये सारी लोकेटर पिन है बच्चों याद रखना क्लियर ओके तो ये कुछ एग्जाम्पल दिखाए मैंने आपको कि क्लैंप के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं होते हैं ठीक है नेक्स्ट इसी तरीके से एक ब्रिज क्लैंप होता है देखिए यहां पर ये एक स्प्रिंग है ये यहां पर एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से एक नट बोल्ट आपका जुड़ा हुआ है ठीक है, है इसे कहते हैं स्प्रिंग लोडेड नट करेक्ट ये आपकी टेम्पलेट है इसे कहते हैं हम टेम्पलेट प्लेट है ठीक है एंड दिस इज द वर्कपीस ये आपका वर्कपीस है नीचे आपका जिग है या फिक्सर की बॉडी है तो अब क्या होगा वर्कपीस रखेंगे ऊपर से प्लेट बीच में होल है इस प्लेट के टेम्पलेट के और एक स्प्रिंग लोडेड नट को हम टाइट कर देंगे ऐसे तो ये आपका वर्कपीस होल्ड हो जाएगा तो ये भी एक क्लैंपिंग डिवाइस है बच्चों ठीक है ओके okay. अब ये जो क्लैंपिंग डिवाइस है हील कहा जाता है ठीक है हील क्लैंप एक सेकेंड बच्चों अरे एक सेकेंड बेटा एक सेकेंड ये थोड़ा सा होल्ड करेंगे मेरे साथ आ, एक सेकंड बेटा होल्ड करेंगे ये पीपीटी थोड़ी गलत आ गई है मैं अभी आप लोगों के लिए सही पीपीटी लेके आता हूँ प्लीज़ होल्ड पर रहिएगा हाँ एक मिनट बेटा मैं इसे एग्जिट कर देता हूं आ, दूसरी पीपीटी वो गलत आ गई थी पीपीटी ठीक है हाँ प्लीज होल्ड कीजिए बस शुरू ही कर रहे हैं दोबारा सर जिक्स एंड पिक्चर के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अभी इन सब को कंबाइन करके जिग बनता है हाँ बिल्कुल विशाल इन सबको कंबाइन करके जिग बनता है बच्चों जिग Second. Uh, Eight second dear. बेटा नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली हम ले लेंगे सी एन सी मशीन्स ओके एन सी सी एन सी मशीन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे ठीक है हाँ उनके बारे में जान लेंगे ठीक है चलिए तो अब बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के स्पेशल टाइप की हम बात करेंगे किसकी

प्रेशर का आप यूज करेंगे तो वो प्रेशर जो कि लीवर की मदद से लगता है उसे हम यूज करते हैं स्ट्रेप क्लैंप में ठीक है अब ये कई तरह के होते हैं जैसे पहला होता है हील क्लैंग। हील क्लैंग। हील क्लैंप 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 में आप देख रहे हैं यहां पर यहां पर देख रहे हैं डियर इसको देख लेते हैं थोड़ा सा यहां पर एक ये नट एंड बोल्ट असेंबली है ये नट एंड बोल्ट असेंबली है और ये यहां पर एक स्प्रिंग लगा है बच्चों ये स्प्रिंग है आपका यहां पर ठीक है ये आपका पूरा लीवर जो होता है इसे हील कहते हैं बच्चों ठीक है अब ये वाला जो लीवर है बच्चों यह एंटी क्लॉकवाइज तो घूम सकता है लेकिन क्लॉकवाइज नहीं घूम सकता यानी कि यह क्लैंप जो है आपका यह लीवर जो है इस पॉइंट के अबाउट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है दूसरी डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकता तो हम ये मान के चल रहे हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो रोक दी गई प्रिवेंट कर दी गई और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अलाउ किया गया अलाउ किया गया ठीक है अब क्या होता है बच्चों कि हम क्या करते हैं कि जब वर्क पीस यहां रखते हैं उसके बाद एंटी क्लॉक डायरेक्शन में से रोटेट करते हैं लीवर को और को और ऊपर से बोल्ट टाइट कर देते हैं जिससे वर्क पीस आपका सिक्योर हो जाता है वर्क पीस सिक्योर हो जाता है तो इसे कहते हैं ही हील कैंप हील क्लैंप कहा, कहा जाता है ठीक है ओके नेक्स्ट उसके बाद है बच्चों ब्रिज क्लैंप इसका मैंने आपको डायग्राम दिखाया भी था अभी पीछे अब ये दूसरा डायग्राम दिखा रहा हूं ब्रिज क्लैम्प में क्या होता है बच्चों इसमें भी लीवर प्रेशर ही इंपॉर्टेंट है लेकिन अब याद रखना इसका प्रेशर क्लैंपिंग प्रेशर एज कंपेयर टू ही क्लैंप है जो पहले पड़ा उससे है, उससे ज्यादा ज्यादा है है तो अगर कोई पूछता है ब्रिज क्लैंप और हील क्लैंप में किसका प्रेशर ज्यादा है तो आप बताएंगे इसका प्रेशर ज्यादा है ठीक है अब याद रखना यहां जो वर्कपीस पे प्रेशर लगेगा वो डिपेंड करेगा इस एक्सडिस्टेंस पे और इस वाई डिस्टेंस डिपेंड करता है प्रेशर कितना अगर एक्स कम है तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा और अगर सॉरी कम होगा और अगर एक्स वाई डिस्टेंस ज्यादा है तो प्रेशर आपका ज्यादा होगा ठीक है तो एक्स वाई डिस्टेंस पर डिपेंड करता है ये आपको ये याद रखना आपको वर्क पीस रिलीज करना है इसे आप नट बोल्ट को हल्का करेंगे स्प्रिंग इस, इस पूरी बोल्ट असेंबली को ऊपर उठा देगा और वर्क पीस को निकाल लीजिएगा इस तरीके से क्लैंपिंग करते हैं नेक्स्ट टाइप का जो क्लैंप है बहुत आसान है बस ये देखना है मैं, जो है हमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आप लोग समझ में आ जाए आपको याद क्या रखना है जैसे हील में मैंने सॉरी एच क्लैम्प में मैंने बताया लीवर प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है ठीक है इस तरीके से अब है बच्चों एच क्लैंप और साइड क्लैंप साइड क्लैंप ठीक है ठीक है अब याद रखना बच्चों ये उस केस में यूज करते हैं ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहां पर इन दिस केस द सर्फेस टू बी मशीन इज ऑलवेज क्लैम्प्ड अबाउट द क्लैंपिंग डिवाइस यहां पर इस सरफेस पे मशीनिंग होनी है याद रखना ऊपर वाला जो टॉप सरफेस है अब ये टॉप सरफेस इस क्लैंपिंग डिवाइस ये है क्लैंपिंग डिवाइस इस क्लैंपिंग डिवाइस से ऊपर होना चाहिए ऊपर होना चाहिए क्लैंपिंग डिवाइस से ऊपर होगा यह आपको याद रखना है ठीक है और यह क्लैंपिंग डिवाइस फिक्स्ड लेंथ वर्कपीस के लिए ही सुटेबल मानी जाती है अब याद करने वाला पोर्शन चल रहा है याद करना है आपको इन चीजों को ठीक है ओके हा ठीक है तो फिक्स लेंथ जो है वर्क पीस की उसी पर आप यूज करेंगे अगर आपको रिलीज करना है वर्क पीस को इस क्लैंपिंग नट को लूज कर दीजिए स्प्रिंग पूरी असेंबली ऊपर उठा देगा वर्क पीस निकल जाएगा, करेक्ट आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगला है बच्चों स्क्रू क्लैंप। स्क्रू क्लैंप में क्या होता है कि यहां पर स्क्रू एक ये आपका क्लैंपिंग स्क्रू होता है जिसका एक फ्लोटिंग पैड होता है फ्लोटिंग पैड इसमें क्या करते हैं वर्क पीस से एक स्क्रू की मदद से एक होल करते हैं वर्क पीस में उसकी मदद से इस स्क्रू को टाइट किया जाता है इस स्क्रू को टाइट किया जाता है ठीक है <coughs> अब याद रखना कि इस केस में क्या होगा क्लैंपिंग अप्लाई प्रेशर डायरेक्टली ऑन द साइड फेस ऑफ वर्कपीस देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं क्वेश्चन आया वो कौन सी क्लैंपिंग है जिक्स एंड फिक्सर में जो किसी वर्कपीस के साइड सरफेस पर डायरेक्टली प्रेशर अप्लाई करती है तो आपका आंसर होगा बच्चों स्क्रू क्लैंप स्क्रू क्लैंप यही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहीं से मुश्किल क्वेश्चन बनते हैं यही क्वेश्चन मुश्किल कहला ओके okay, अब इस फ्लोटिंग पैड के तीन काम है पहला ये रोकता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्कपीस और इसकी स्लिप यानी कि वर्कपीस को ना तो डिस्प्लेस होने देगा ना स्लिप होने देगा याद रख ठीक है हाँ दूसरा क्लैंपिंग एरिए कोई भी निशान नहीं आएगा इस स्क्रू ये जो आपका फ्लोटिंग पैड है इसकी वजह से कोई निशान नहीं आएगा अदरवाइज क्या होता है जब किसी चीज को टाइट करते हो ना आप जैसे बेंचवाइज है बेंचवाइज में आप किसी वर्कपीस को टाइट करते हो तो बेंच वाइज के मार्क्स आ जाते हैं उसके ऊपर लेकिन ये पैड ऐसा होने से रोकते हैं निशान नहीं आएगा लेकिन हाँ होल जरूर करना पड़ेगा बेटा होल जरूर करना पड़ेगा दूसरा डिफ्लेक्शन ऑफ स्क्रू से बचेगा यानी कि ये जो स्क्रू है आपका क्लैंपिंग स्क्रू इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा ये तीन काम होते हैं बच्चों इसके मेनली ठीक है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट लैच लैच क्लैंप क्लैंप बिल्कुल ऐसा होता है बच्चों जैसे पहले कुंडी होती थी कुंडी समझ रहे हो ना आप कि क्या होता है कि ये लैच जो है आपका ये लैच ये ऊपर नीचे जाता है और इस नट पर ऐसे दबाकर फिक्स हो जाता है जब हम इसे खोलना होता है तो हम इसे दबाते हैं ये खुल जाता है तो लैच प्लेट जो है आप देख रहे हैं यहां पर इस तरीके से ये ये बिल्कुल इस नट बोल्ट को आप देखिए जैसे यहां है ना ये ये तो टॉप व्यू है इसका और ये ये साइड व्यू है ये आपका टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है बच्चों याद रखना अब इस टॉप व्यू में हमें दिख रहा है कि हम इसे ऐसे निकाल देंगे ऐसे निकल जाएगा ये लैच करेक्ट तो रोटेशन की मदद से होता है रोटेशन की मदद से और जबकि टॉप में देखेंगे आपको ठीक बोर्ड के परपेंडिकुलर फोर्स लगाना होगा तो यह वर्कपीस आपका यह वर्कपीस है आपका याद रखना दिस इज द दर्कपीस इस पर इस तरीके से आपका फोर्स लगता है तो याद रखना लैच क्लैंप जो है सबसे ज्यादा क्विक है बहुत ही क्विक होते हैं सबसे कम टाइम लगता है वर्कपीस फिक्सरिंग में वर्कपीस को फिक्स करने के लिए सबसे कम टाइम इसमें लगता है यह मेन क्वेश्चन इससे पूछा जाता है यही मेन क्वेश्चन है जो इससे पूछा जाता है बच्चों ठीक है लैच में बेटा बताया ना मैंने यह वर्कपीस है दिस इज दर्कपीस वर्कपीस बिल्कुल साइड में आपका फिक्स होगा ठीक है हा समझ में आ गई तो टाइम कंज्यूम्ड इन लोडिंग एंड अनलोडिंग इज वेरी लेस एज नो स्क्रू इंड बॉट सो हाई एज इन अदर क्लैंपिंग डिवाइस लेकिन याद रखना बच्चों क्योंकि यहाँ पे कोई nut आपको खोलना नहीं है बंद करना नहीं है तो लोडिंग अनलोडिंग क्लैंपिंग प्रेशर थोड़ा कम होता है यहां पर क्लैंपिंग प्रेशर थोड़ा कम होता है इसलिए छोटे कंपोनेंट के लिए ही यूज करते हैं ज्यादा बड़े कंपोनेंट के लिए यूज नहीं कर सकते ओके okay? नेक्स्ट एक होता है बच्चों इक्वलाइजिंग क्लैंप इक्वलाइजिंग क्लैंप क्या करता है बच्चों इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द टू फेसिस ऑफ द वर्क ये इंपॉर्टेंट लाइन है ये इंपॉर्टेंट लाइन है याद रखना जब किसी वर्क पीस के दो सरफेस पर इक्वल प्रेशर अप्लाई कराना हो तब हम बच्चों इक्वलाइजिंग क्लैंप का इस्तेमाल करते हैं इक्वलाइजिंग क्लैंप का इस्तेमाल करते हैं समझ so, में आई बात बच्चों ओके आगे बढ़ते हैं ये सी पे देखिए बच्चों कैसा होता है सी क्लैम्प ये इस तरीके से फिट होगा इस नट में इस तरीके से और फिर नट बोल्ट को टाइट कर दिया जाएगा तो इसे सी क्लैम्प कहते हैं ये भी आपका क्लैंपिंग डिवाइस है ओके ओके बुशिंग कल मैंने आपको बताया था कि बुशिंग का इस्तेमाल हम जिक्स में करते हैं किसमें करते हैं बच्चों जिक्स में ठीक है और बुश क्या करता है बच्चों बुश कटिंग टूल को गाइड करता है कि कहां जाना है आपको और किस तरीके से गाइड करता है आइए यहां देखिए ये देखिए ये एक ड्रिलिंग ऑपरेशन है अब इस ड्रिलिंग ऑपरेशन में ये देखिए ये आपका जिग है दिस इज द जिग दिस इज जिग ये आपका जिग है और इस जिग में ये देखिए ये होल बने हुए हैं अब ये क्या होगा किसी पर्टिकुलर पोजिशन पे लाके टाइट किया जाएगा और इस बोल्ट की मदद से इसे दाएं बाएं भी किया जा सकता है जिग को अब ये बुश इस बुश में जब एक बार कटिंग टूल ड्रिल बिट चला जाएगा तो वो दाएं बाएं नहीं होगा हमेशा इसी बुश की पेरी फेरी पर वो ड्रिल करेगा तो यहां पे आप ड्रिल कर सकते हैं यहां पे यहां पे ठीक है और भी जहां भी चाहिए आपको वहां बुश लगा दीजिए देट इट जहां भी आपको होल चाहिए उसे बुश लगा दीजिए अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों बोल्ट की मदद से टाइट किया गया जिग ठीक है टाइट किया गया तो ये दोनों लोग जो हैं आपके क्लैंपिंग हो गए क्या हो गए बच्चों क्लैंपिंग आ, क्लैंपिंग स्क्रू और ये वाला जो स्क्रू है बच्चों ये वाला ये वाला वाला स्क्रू स्क्रू आपका लोकेटर है। लोकेटर है आप देख रहे होंगे यहां पर एक एक स्केल स्केल दिया है ये एक स्केल है ये यहां से यहां तक स्केल इस स्केल से हमें पता चल जाएगा कहां पर ये फिट होगा अब जो भी लकड़ी आएगी उसे उठाकर सीधा यहां रख के टाइट किया जाएगा बस बार बार मार्किंग करने की जरूरत नहीं होगी तो इस तरीके से बच्चों जो बुश होते हैं ड्रिल बिट के वो काम करते हैं ठीक है हाँ क्वेश्चन है आपका कोई वर्कपीस कहां ये तो हो गया बच्चों ये तो मोस्ट कॉमन है हां बिल्कुल बिल्कुल बेटा टू गाइड द टूल ठीक है टू गाइड द टूल बिल्कुल बहुत ही कॉमनली यूज डिवाइस है नेक्स्ट अब कल मैंने आपको स्वार्फ क्लियरेंस बता दिया था कि स्वार्फ क्लियरेंस क्या होता है कि जब मशीनिंग होगी तो चिप्स बनेगी अब चिप्स को मशीनिंग एरिया से बाहर निकालना है ना तो बुश में और जिग में इतनी क्लियरेंस छोड़ी जाती है कि भैया मशीनिंग से बाहर मशीनिंग एरिया से चिप्स बाहर आ जाएं उस क्लियरेंस को हम कहते हैं ठीक है इसके साथ साथ कटिंग फ्लूड का भी पहुंचना जरूरी होता है कटिंग फ्लूड का भी पहुंचना जरूरी होता है बच्चों कि कटिंग फ्लूड अपनी जगह पर पहुंच जाए तो भी हम स्वार क्लियरेंस का ही यूज करते हैं ठीक है तो ये तो मैंने आपको बता दिया था एक बड़ा अच्छा टर्म मैं आपको बता रहा हूं उसे कहते हैं फूल प्रूफिंग फुल प्रूफिंग मशीनिंग करते हुए कोई गलती ना कर दे इसके लिए हम फुल प्रूफिंग कहते हैं जल्दी जल्दी में से हम फुल प्रूफ कहते हैं ना तो फुल प्रूफ नहीं होता याद रखना फूल प्रूफिंग होता है इसका मतलब होता है कि मशीनिंग के दौरान किसी से कोई गलती हो सकती है तो उससे बचने के लिए फूल प्रूफिंग की जाती है अब फुल प्रूफिंग इस बात को इस बात को बिल्कुल पक्का करती है इंश्योर करती है कि भैया कि जो आपका जो टूल डिजाइनर होता है वो इस बात को बिल्कुल पक्का करता है कि जो वर्कपीस है पार्ट है वो टूल में बिल्कुल सही जगह जाकर फिट हो बार 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 सही जगह जाकर फिट हो ठीक है फिर से सुनिए फुल प्रूफिंग का क्या होता है कि डिजाइन इस तरीके से करते हैं हम अपने एंड को कि वर्कपीस जब आप लोडिंग अनलोडिंग करें इनकी तो ऐसा ना हो कि वो हर बार अलग जगह पे जाकर फिक्स हो या अलग जगह पर जाकर बैठे कहते हैं ना कि वर्कपीस अगर सही बैठ गया एक बार तो उसके जैसे सारे वर्कपीस मशीन पर सही बैठेंगे उसे कहते फुल प्रूफिंग ठीक है प्रूफ हा चलिए अब बेटा बात करते हैं देखिए मैंने आपको बताया था कि जिक्स जो है जनरली ड्रिलिंग में यूज करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बहुत बार पूछा गया है बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार पूछा गया कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है याद रखिएगा ठीक है हाँ तो सबसे पहला होता है टेम्पलेट जिग टेम्पलेट जिग ठीक है तो ये जो जिग होता है बच्चों ये सिंपली मेटल का वुड का बना होता है ठीक है वुड का बना होता है और इसके अंदर होती है करेक्ट लोकेशन ऑफ होल्स होल की बिल्कुल सही पोजीशन होंगी देखिए यह ऊपर वाली टेम्पलेट है प्लेट है और नीचे वाला वर्कपीस है यह वर्कपीस है बच्चों ध्यान से देखेगा तो अब इस प्लेट में भी होल बने होंगे ठीक उस जगह जहां प्लेट में होल होने और याद रखना टेम्पलेट प्लेट जो होती है उसका साइज वर्कपीस के ठीक इक्वल होता है साइज ऑफ द टेम्पलेट जिग शुड बी सेम एज that ऑफ workpiece. Workpiece के ठीक सेम होना चाहिए कुछ अलग नहीं होना चाहिए ठीक है ओके okay. अब क्या होता है बच्चों ये वर्कपीस को पूरा ढक लेता और सही जगह पर होल हो जाता इसे कहते है टेम्पलेट जिग टेम्पलेट जिग कहते हैं। लेकिन याद रखना इसमें बुशेज नहीं होते नो बुश इसमें बुश का इस्तेमाल नहीं करते तो टेम्पलेट जिग के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक तो साइज के बारे में आता है कि साइज कितना होना चाहिए ठीक है साइज कितना होना चाहिए ठीक है और दूसरा आता है बुश के बारे में अब अगर इसी प्लेट में मैं बुश भी लगा दूं तो उसे कहते हैं बच्चों प्लेट टाइप जिग उसे क्या कहते हैं बच्चों प्लेट टाइप जिग कहते हैं प्लेट टाइप जिग तो प्लेट टाइप जिग में क्या होगा बिल्कुल टेम्पलेट प्लेट जैसी होगा लेकिन बुश का इस्तेमाल होगा बुश का इस्तेमाल होगा याद रखना बुश का इस्तेमाल होगा और जहां बुश आ जाता है वहां पर कटिंग टूल की गाइडेंस पक्का हो जाती है कि यहां पर कटिंग टूल गाइड भी होगा साथ साथ गाइड भी होगा ठीक है बिल्कुल तू मिस्टिक, बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड बेटा ओपन टाइप जिग होता है एक टाइप का ओपन टाइप जिग वो जिग जिसका टॉप हमेशा खुला रहता है उसे ओपन टाइप जिग कहा जाता है अब देखिए पूरा जिग बॉडी है ये है आपकी जिग बॉडी ये जिग बॉडी है बच्चों ठीक है ये जिग बॉडी है ये ड्रिल प्लेट है यहां पर और ये लगा है यहां पर बुश ये क्या लगाया बच्चों आपका बुश लगा है बुश ठीक है ओके तो आप ड्रिल बिट आएगा इस बुश में से गुजरेगा और ठीक ही यहां पर होल कर देगा ये वाला होल कर देगा ये ये होल कर देगा समझ में आ गई बात हम्म ठीक है तो सिंपल सी चीज है ओपन टाइप जिग जो होते हैं ये सबसे कॉमनली यूज होते हैं सबसे कॉमनली यूज होते हैं ठीक है अब देखो इन पिन की वजह से ना इन पिन की वजह से ये क्लैंप है बच्चों देखो ये क्लैंपिंग पिन है यह वर्कपीस अपनी जगह से नहीं हिलेगा यह वर्कपीस अपनी जगह से नहीं हिलेगा और याद देख रहे हैं ना आपकी टेम्पलेट प्लेट में यहां पर जो ड्रिल प्लेट है उसमें ये टेम्पलेट प्लेट भी कह सकते हो और ड्रिल प्लेट भी इन दोनों में एक गैप है आपको ऑपरेशन होता हुआ भी दिखाई दे होता हुआ भी दिखाई दे उसके बाद है स्विंगिंग लीफ टाइप जिग। स्विंगिंग लीफ टाइप टाइप जिग, जिग, स्विंगिंग ये होता है बच्चों। तो इसमें क्या होता है बच्चों एक लैच होता है लैच जैसे हमने अभी पढ़ा था लैच इसी तरीके से इसमें भी एक लैच होता है इस की को घुमाइए तो ये आपका ऐसे ऊपर उड़ जाता है ऐसे ऊपर उड़ जाता है ठीक है हां याद रखना ये हमेशा सिर्फ टॉप के लिए ही या साइड के लिए ही सुटेबल है बॉटम पे कोई फंक्शन नहीं कर सकते इसकी मदद से बाकी सबसे बॉटम पे भी कर सकते हैं लेकिन इसमें सिर्फ टॉप पे करते हैं बच्चों ठीक है और इस फलक्रम के अबाउट ये जैसे हम इसे खोलेंगे तो ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से ये जैसी बोल्ट हम खोल देंगे ये ऐसे खुल जाएगा ऐसे खुल जाएगा और ये है आपकी लोकेटर यह है लोकेटर ठीक है लोकेटर, सॉरी आई एम सॉरी यह है आपकी क्लैंप क्लैंप ये है आपका क्लैंप इससे की वर्कपीस यही बना रहेगा दबा रहेगा और लोकेटर हो गए आपके ये दोनों जहां पर बुश लगे जहां पर बुश लगे ठीक है ओके okay. नेक्स्ट ये टाइप्स हैं जिक्स के एक होता है बच्चों बॉक्स टाइप जिक्स ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होता है मोस्ट एक्यूरेट कह सकते हो आप इसे मोस्ट एक्यूरेट मोस्ट एक्यूरेट कहा जाता है बच्चों से ठीक है इसकी कंस्ट्रक्शन एक बॉक्स जैसी होती है जैसे बॉक्स होता है और ये उन कंपोनेंट वेरी इंपॉर्टेंट है ये उन कंपोनेंट के लिए यूज करते हैं जिनकी शेप इरेगुलर होती है जिनकी डायमेंशनिंग हमें नहीं पता होती जिनकी डायमेंशनिंग हमें नहीं पता होती उनके लिए हम इसे इसका इस्तेमाल करते है. सर क्लैंपिंग पिन का एज पॉइंट या फ्लैट होता है देखो बच्चों, ठीक है अभी बताऊंगा इसके बारे में चलिए फिर भी बता देता हूं क्लैंपिंग पिन की अगर मैं बात करूं क्लैंपिंग पिन ठीक है अगर आप एक ऐसे कंपोनेंट को होल्ड कर रहे हैं क्लैंप कर रहे हैं जो कि अनमशीन्ड है अन मशीन्ड तो राउंड राउंड या स्फेरिकल स्फेरिकल पिन का कर इस्तेमाल करते हैं राउंड या स्फेरिकल पिन का कर इस्तेमाल करते हैं ठीक है अच्छा अगर आप मशीन सरफेस को क्लैंप कर रहे हैं होता है ना भाई कभी कभार मशीन पे भी कोई ऑपरेशन होना है अगर मशीन सरफेस है तो फ्लैट पिन आप यूज कीजिए फ्लैट पिन ठीक है ये याद रखिए फ्लैट पिन ठीक है अनमशीन सरफेस इरेगुलर सरफेस ये भी कह सकते हैं आप इेगुलर सरफेस कह रहा हूं डायमेंशन नहीं इेगुलर तो वहां पर आप यूज करते हैं जबकि मशीनड सरफेस या रेगुलर सरफेस पर आप फ्लैट पिन का इस्तेमाल करते हैं याद रखिए ओके तो याद रखना इरेगुलर शेप यहां तो शेप बड़ी रेगुलर सी दिखाई है इन्होंने डायग्राम में बड़ी इेगुलर टेढ़ी मेढ़ी पता नहीं बहुत अलग अलग तरह के कंपोनेंट बनते हैं ना तो बहुत तरह के कंपोनेंट होते हैं जिनकी शेप अलग अलग होती है तो ये ब्राउन वाली चारों पिन जो है ये वाली ये लोकेटर पिन है ये लोकेट कर रहे हैं वर्कपीस को यह हो गया आपका बुश क्लैंप दिस इज द बुश क्लैंप और यहां होल होना है यहां होल होना है ड्रिल बुश हो गया आपके ठीक है और ये बॉडी हो जाएगी किसकी जिग की जिग की बॉडी हो जाएगी ठीक है तो इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है बॉक्स टाइप की एक तो इरेगुलर शेप को होल्ड करता है दूसरा ड्रिल होंगे मोर देन वन प्लेन मोर देन वन प्लेन में ड्रिलिंग करनी पड़ेगी याद रखना ठीक है और इसमें भी क्या होता है इस स्विंगिंग क्लैम्प को आप जब खोलेंगे तो यह भी ऐसे आपका खुल जाएगा और इसमें से वर्कपीस बाहर निकाल लिया जाएगा निकाल लिया जाएगा अब देखो खुद सोचो ना आप कि आपको वर्कपीस यहीं रखना है हमेशा ए इस गैप को बनाते हो गैप इधर बनाना है आपको अब यह बताइए मुझे क्या वर्कपीस रखने में कोई गलती होगी आपने वर्क पीस उठाया यहां रखा और उसे इधर मिला दिया तो अब ये बताइए बार बार आपको डायमेंशनिंग लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी कोई बात नहीं मुमताज कोई बात नहीं वालेकुम अस्सलाम ये तो बेटा कभी कभार होता है यूट्यूब में ऐसा कि नहीं पहुंचता है ओके कभी कभार होता है ऐसा कि नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता तो ये था आपका बॉक्स टाइप जिग इस ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है बहुत ज्यादा यूज होता है क्वेश्चनिंग इसके बारे में बहुत होती है ओके okay. एक होता है बच्चों पॉट टाइप जिग जैसे बर्तन होता है यूज होता है यही क्वेश्चन आएगा बच्चों जिसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं यही क्वेश्चन आएगा ठीक है एक होता है बच्चों इंडेक्स जिग इंडेक्स जिग हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई ऑपरेशन या मान लीजिए कोई हमें होल बनाने हैं इस तरीके से होल बनाने हैं कि मान लीजिए प्लेट है और इस प्लेट पे ये यह बीच में एक बड़ा होल है। अब यहां छोटे छोटे कई होल बनाने हैं ये कई होल बनाने हैं आपको ऐसे इस तरीके से तो इस टाइम पर हम इंडेक्स जिक का इस्तेमाल करते हैं अब इन होल की पोजीशन इस सेंटर के अबाउट बहुत ही सटीक सिमेट्रिकल होगी ना तो इसी सिमिट्री को बनाने के लिए इंडेक्सिंग करनी पड़ती है एक बच्चा मुझसे कह रहा था भी कि सर इंडेक्सिंग पढ़ाई बहुत कंफ्यूजिंग है बिल्कुल पढ़ाऊंगा इंडेक्सिंग का मतलब यही होता है कि जब आपने एक होल या कोई एक ऑपरेशन इस पॉइंट पर कर दिया अब इसके करस्पॉन्डिंग बिल्कुल ठीक अगला पॉइंट मिले मुझे इसलिए हम इंडेक्सिंग करते हैं फिर इसके करस्पॉन्डिंग अगला फिर अगला फिर अगला फिर अगला इसके लिए हम इंडेक्सिंग करते हैं ठीक है तो ये आपका पोजिशनल डिवीजन ऑफ द वर्क पीस कर देता है बिल्कुल पोजीशन के हिसाब से ठीक है तो इसमें हम इक्वी डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस होल बनाते हैं क्वेश्चन है. आ सकता है कि आप एक सर्कुलर प्लेट है उस पर इक्वी डिस्टेंट होल बनाने हैं आपको तो कौन सी जिग इस्तेमाल करें या फिर एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसके हर कॉर्नर पर आपको चारों कॉर्नर पर मतलब दोनों कॉर्नर पर इक्वल इक्वल होल करने हैं तो बताइए कौन सा जिग इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से मान लीजिए इसमें होल होने हैं तो आप इंडेक्स जिग का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। इंडेक्स जिग जिग का का इस्तेमाल इस्तेमाल करेंगे करेंगे बच्चों गुड मॉर्निंग अशोक सच्री अकाल सतिंदर ठीक है बिल्कुल टू डिवाइड इक्वली पेरी फेरी बिल्कुल सही कहा ठीक है तो ये थे बच्चों कुछ स्पेशल टाइप के जिग्स अब बात करते हैं फिक्सचर की अब बात करते हैं फिक्सचर की ठीक है आपको पता है फिक्सर हमेशा ऑपरेशन के अकॉर्डिंग डिजाइन होंगे जिग एक हो सकता है पूरे सारी कंपोनेंट के लिए एक ही टाइप का जिग हो सकता है लेकिन लेकिन बच्चों याद रखना फिक्सर जो है हर कंपोनेंट के लिए अलग डिजाइन होगा अलग डिजाइन होगा याद रखना अब ये कई तरह के होते हैं टर्निंग फिक्सर मिलिंग फिक्सचर फिक्सर फॉर ग्राइंडिंग ब्रॉचिंग के लिए फिक्सर होता है बोरिंग ड्रिलिंग के लिए होता है टैपिंग के लिए फिक्सर होता है वेल्डिंग के लिए भी होता है असेंबली के लिए भी होता है तो कौन कौन से फिक्सर होते हैं बस इतना याद, याद करने की नहीं है ये टर्निंग फिक्सर का, का काम करती है ये देखिए ये वाली प्लेट इसे ही हम फेस प्लेट कहते हैं तो इधर तो चक होगा चक भी आपका एक फिक्सर है आपको पता है चक भी फिक्सचर है और दूसरी तरफ

इसी तरीके से आपका मिलिंग फिक्सर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा के तीन हिस्से होते हैं बच्चों मिलिंग के तीन हिस्से होते हैं पहला होता है बेस पहला है है बच्चों बेस ठीक है? तो एक बहुत ही हेवी बेस बनाया जाता है इसका ठीक है हां याद रखना ये फ्लैट होता है बिल्कुल फ्लैट होता है बेस स्मूथ तो हो गई स्मूथ तो हो गई ठीक है अब इसके नीचे की है ये की है ये की है अब जो मिलिंग की टेबल होती है ना वर्क टेबल वो कुछ ऐसी होती है आप देखिए मिलिंग के टेबल में ये यहाँ पर टी स्लॉट होते हैं इस तरीके से ये टी स्लॉट होते हैं तो ये की स्लॉट में जाती है और बेस को इसके ऊपर फिट कर देती है जो मिलिंग की वर्क टेबल होती है उसके अंदर आप इस इस सॉरी उसके अंदर आप इस बेस प्लेट की को डालेंगे यानी कि क्या होगा की तो इसके अंदर जाएगी और बेस प्लेट इसके ऊपर रहेगी इस तरीके से इसके ऊपर रहेगी और उसे टाइट कर दिया जाता है उसे टाइट कर दिया जाता है बच्चों टाइट कर दिया जाता है ठीक है बस तो इसी टी स्लॉट में टी बोल्ट की मदद से हम लोग इसे टाइट कर देते हैं यह है आपका बेस दूसरा हिस्सा क्या है बच्चों इसका दूसरा हिस्सा क्या है आइए देखते हैं वह है बच्चों सेटिंग ब्लॉक सेटिंग ब्लॉक देखिए ये आपकी मिलिंग फिक्सर का जो बेस प्लेट है ये दिस इज द बेस प्लेट और ये टी स्लॉट में से टाइट कर दिया अब यहां पर रखा जाएगा एक सेटिंग ब्लॉक सेटिंग ब्लॉक रखा जाएगा ठीक है इस सेटिंग अब उसके बाद जब फिक्सर हो जाएगा हाँ ठीक तो जो सेटिंग ब्लॉक है इसको ध्यान से देखिएगा आप इसमें क्या होता है कि जब फिक्सर लगा दिया आपने क्लैम कर दिया तो वर्कपीस को करेक्ट पोजिशन में लाना है द द द इज करेक्टली लोकेटेड इन इन हैज टू टू बी सेट करेक्ट रिलेशनशिप कटर कटर के रेस्पेक्ट में वर्कपीस बिल्कुल सही फिट हो जैसे यहां पर ये यह मिलिंग कटर है इसके रेस्पेक्ट में वर्कपीस आपका यहां फिट है बिल्कुल सही जगह पर फिट हो ये सेटिंग ब्लॉक करता है ये कौन करता है बच्चों सेटिंग ब्लॉक करता है और सेटिंग ब्लॉक हमेशा कहां पर फिट होगा बच्चों बेस प्लेट के ऊपर फिट होगा याद रखना ठीक है बेस प्लेट के ऊपर फिट होगा यहां पर हम फिलर गेज की भी मदद लेते हैं फिलर गेज देखिए यहां पर हम अभी वर्कपीस यहां आएगा ना तो हम फिलर गेज की मदद से देखते हैं कि हम गेज लेते हैं वर्कपीस के अकॉर्डिंग उसे यहां रखकर चेक करते हैं कि क्या सही पोजिशन आएगी या नहीं तो ये फिलर गेज होते हैं बच्चों ने याद रखना फिलर गेज इसकी मदद से तो फिलर गेज आर प्लेस बिटवीन द कटर एंड रेफरेंस प्लेन रेफरेंस प्लेन कौन सा है बच्चों कि जो मेरा सेटिंग ब्लॉक है इस तरीके का तो इसका रेफरेंस प्लेन ये है ये वाला रेफरेंस प्लेन है तो इसके और कटर के बीच में गेज को डाला जाता है और चेक किया जाता है क्या वर्क पीस पर यह सही पोजिशनिंग देगा या नहीं ठीक है तो इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं तो ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है बेटा ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है डायग्राम नॉट क्लियरली विजिबल विजिबल बेटा विजिबल कहां कह रहे हैं आप सही तो दिख रहा है आई थिंक सही दिख रहा है ठीक है डायग्राम बिल्कुल सही दिख रहा है सबको दिख रहा है ना बच्चों डायग्राम ठीक है थोड़ा सा देखो वो है ब्लड, लेकिन मेरे ख्याल से तो सही दिखना चाहिए आपको ठीक है सही दिखना चाहिए आई थिंक ठीक है ओके okay. तो ये हो गया सेटिंग ब्लॉक और लास्ट में होती है आपकी कोई भी क्लैंपिंग डिवाइस ये मिलिंग फिक्सर के तीन हिस्से बेस सेटिंग ब्लॉक और लास्ट में क्या है बच्चों आपका कोई भी कोई भी बच्चों आपकी क्लैंपिंग डिवाइस ठीक है देखिए वर्क पीस है ये आपकी कटर है और ये आपका क्लैंप है इसने इसे ऐसे दबा के रखा और ये सेटिंग ब्लॉक है इसे क्या कहेंगे बच्चों सेटिंग पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं लिखा हुआ है ब्लॉक ये सेटिंग ब्लॉक है बच्चों इसी तरीके से ये सेटिंग ब्लॉक है ये आपका वर्कपीस है ये कटर है बच्चों दिस इज द कटर ओके और इसने इन दोनों को ऐसे दबाकर वर्क पीस को ऐसे दबाया हुआ है ऐसे इसी तरीके से नीचे इसी तरीके से नीचे देखिए यहां पर ये सेटिंग ब्लॉक है और ये आपका कटर है ये इस तरीके से रोटेट करके मशीनिंग कर रहा है तो ये होते हैं क्लैंपिंग या लोकेटिंग एलिमेंट क्लैंपिंग या लोकेटिंग एलिमेंट समझ में आ गया बच्चों यहां तक अच्छा अच्छा हाँ उस पर तो टू बेटा थोड़ा सा बढ़ा के देख लो अभी ओके ग्राइंडिंग फिक्चर की अगर बात करूं तो ग्राइंडिंग फिक्चर जो है बच्चों वो एक मैंड्रल टाइप का होता है किस टाइप का होता है जैसे एक मैंड्रल होता है इस टाइप का होता है बच्चों ठीक है वैसे तो यह है कि ये मैंड्रल जो है ये आपका एक्सटर्नल ग्राइंडिंग के लिए ही सुटेबल है एक्सटर्नल ग्राइंडिंग के लिए ही होता है ठीक है हाँ और ये सिर्फ राउंड वर्क पीस के साथ ही सुटेबल होता है ठीक है तो एक्सटर्नल सरफेस आपका ग्राइंड किया जाता है एक्सटर्नल सरफेस आपका ग्राइंड किया जाता है ठीक है अब अगर आपको इंटरनल अगर आपको इंटरनल ग्राइंडिंग करनी है तो आप चक की मदद लेते हैं चक में बी यूज एज ए स्टैंडर्ड वर्क होल्डिंग डिवाइस चक चक में क्या होगा होलो कंपोनेंट ऐसे फिक्स हो जाएगा जैसे मान लीजिए चक में ऐसे फिक्स हो गया अब यहां पर एक छोटा ग्राइंडिंग व्हील अंदर से आपकी मशीनिंग करेगा ग्राइंडिंग करेगा मशीनिंग करेगा ग्राइंडिंग करेगा समझ में आया बच्चों ठीक है हां मोर स्टेपर ही होता है बेटा मोर स्टेपर ही होता है ओके अब जो बुश आपने पढ़े बुश उनका मटेरियल मैं बता चुका हूं आपको ठीक है अब हम देखते हैं ये तीन तरह के होते हैं पहला होता है बच्चों प्रेस फिट वियरिंग प्रेस फिट वियरिंग बुश यानी कि प्रेस करके दबा के जिन्हें फिट करना पड़ता है होल में वो ठीक है तो ये प्रेस फिट वियरिंग बुश की सबसे मतलब इसे एडवांटेज डिसएडवांटेज इसमें एक्यूरेसी और फिनिश पे ध्यान नहीं दिया जाता इसलिए ये जर्नल दुकानों पे छोटी छोटी दुकानों पे तो यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में इसका यूज नहीं होता इंडस्ट्री में यूज होता है बच्चों रिन्यूएबल बुश का रिन्यूएबल आपको पता है जब बुश के अंदर ड्रिल घूमेगा तो बुश में भी तो वियर एंड टीयर होगी वियर होगी हो होगी तब हम यूज करते हैं रिन्यूएबल बुश रिन्यूएबल बुश का हम इस्तेमाल करते हैं और याद रखना रिन्यूएबल बुश हमेशा लीनियर बुश के अंदर इंसर्ट किया जाएगा यानी कि एक बुश तो यह होगा बच्चों एक बुश तो यह होगा इसे कहेंगे रिन्यूएबल और एक बुश इसके अंदर फिट होगा इसे कहेंगे बुश तो रिन्यूएबल बुश जो है हमेशा लीनियर बुश के अंदर फिट होता है आपको यह याद रखना है ठीक है ये देखिए फ्लैंज टाइप इसमें फ्लैंज भी होगी यानी कि यह मान लीजिए आपका लीनियर बुश है और जो आपका ये लीनियर बुश है मान लीजिए यहां तक और इसके ऊपर ये फ्लेंज टाइप का इस तरीके से कौन सा बुश होगा बच्चों ये लीनियर बुश हो गया अंदर वाला और फ्लैंज वाला फ्लैंज कहते हैं जिसके ऊपर एक हेड होता है कॉलर टाइप का ठीक है तो वो आपका क्या होता है बच्चों रिन्यूएबल बुश होता है तो दीज आर ऑफ टाइप एंड स्लाइडिंग फिट इन टू द लीनियर बुश लीनियर बुश में स्लाइड होकर फिट हो जाते है. तीसरे टाइप का बुश क्या होता है बच्चों लीनियर बुश में तीसरा टाइप का वो होता है लीनियर बुश इसे कहते हैं मास्टर बुश इसे मास्टर बुश भी कहते हैं और ये जिग बॉडी के साथ इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत पूछी जाती है परमानेंटली फिक्स्ड होते हैं परमानेंटली फिक्स्ड होते हैं ठीक है तो इनका काम लीनियर बुश का काम गाइड करना है किसे कटिंग टूल को नहीं बल्कि रिन्यूएबल बुश को रिन्यूएबल बुश को यह क्या करता है गाइड करता है ठीक है हाँ ठीक तो ये क्लियर हुआ आपको ओके okay. अब लास्ट टॉपिक जो है हमारा जिक्स एंड फिक्सर का वो मैं आपको बताता हूं प्रिंसिपल ऑफ पोजिशनिंग इसको समझेंगे बाकी नोट्स तो आपके मैं अपलोड करा ही दूंगा आज हाँ प्रिंसिपल ऑफ पोजिशन सॉरी लोकेशन देखिए हम बार बार लोकेशन की बात कर रहे हैं लोकेशन लोकेशन कि भैया लोकेशन ये लोकेशन वो ये होती क्या है लोकेशन इसको देखते हैं बच्चों लोकेशन होती क्या है इसको देखते हैं ओके okay, चलिए देखिए लोकेशन होती क्या है देखिए लोकेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों लोकेशन का मतलब होता है क्लैम्पिंग द वर्क पीस एट दो वेयर ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी रिस्ट्रिक्टेड जब आप किसी चीज को क्लैम करते हैं या लोकेट करते हैं इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप उसकी कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट कर रहे हैं आपका रेस्ट्रेन कर रहे हैं रेस्ट्रेन कर रहे हैं बच्चों समझ में आई बात तो लोकेशन देना किसी वर्कपीस का मतलब होता है उसकी कुछ या सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हो गई अगर आप खुद सोचिए अगर कोई ऐसी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी जैसे मान लीजिए मान लीजिए आपका वर्कपीस है और ये आपका कटर है मिलिंग कटर मिलिंग कटर ये ऐसे रोटेट कर रहा है मशीनिंग हो रही होगी अब अगर यहां कोई सपोर्ट नहीं है सिर्फ यहां सपोर्ट है मान लीजिए यहां पर एक क्लैंप लगाया हुआ है आपने ये आपका एक सपोर्ट है अगर यहां कोई सपोर्ट नहीं है तो ये वर्कपीस इधर निकल जाएगा ना और मशीनिंग होनी रुक जाएगी निकल जाएगा खतरनाक भी हो सकता है तो हमें इस वर्कपीस की ये वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ये वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमें क्या करनी होगी रिस्ट्रेन करनी होगी रोकनी होगी कैसे यहां पर भाई आप एक सेटिंग ब्लॉक रख दीजिए ये सेटिंग ब्लॉक रख दीजिए आप यहां पर ठीक है ये सेटिंग ब्लॉक रख दीजिए बच्चों ओ सॉरी हाँ ये सेटिंग ब्लॉक आपने रख दिया यहां पर ये दिस इज द सेटिंग ब्लॉक अब ये कहीं नहीं जाएगा तो क्या हो सकता था दो तरीके हैं। इस कटर के साथ जो ऐसे रोटेट करा इस वर्कपीस के मूव होने के दो चांसेस हैं एक तो ये कि इधर मूव हो जाए या अगर इधर मूव नहीं हो रहा और आपने यहां एक सेटिंग ब्लॉक रख दिया सेटिंग ब्लॉक रख दिया कोई पिन लगा दी तो फिर ये ऐसे ऊपर उठने की भी कोशिश कर सकता है भाई कटर ऐसे रोटेट करेगा ना तो हो सकता है ये अपने साथ ऊपर उठाए या नीचे ले जाए तो यहां पर क्या करते हैं कि यहां पर भी एक सेटिंग ब्लॉक रखते हैं और एक क्लैंपिंग हम कर देते हैं अब ये कहीं नहीं जाएगा इधर उधर तो मूव हो ही नहीं सकता तो ये दो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें जरूरी पड़ी कि भाई किसी तरीके से ये ऊपर ना जाए ठीक है और भी बहुत सारी हैं मान लीजिए मान लीजिए आपने कहा कि सर इस कटर के साथ ये वर्क पीस उप, इधर से भी तो ऊपर उठ सकता है भाई ऐसे ऊपर ले जाइए अपने साथ तो हम यहां पर भी एक पिन लगा देते हैं यहां पर भी एक पिन लगा देते हैं तो सोचना पड़ता है कि क्या क्या हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आप फिक्सरिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप फिक्सरिंग करते हैं तो यह हुआ बच्चों लोकेशन ओके नहीं बेटा क्वेश्चन जब कराऊंगा ना प्रीति डोंट वरी जब क्वेश्चन करेंगे हम तब आपको समझ में आ जाएगा आपने क्या पढ़ा और किस तरीके से हुआ अभी आपने क्वेश्चन किए कहा एहसास हो जाएगा कि आपने जो जो पढ़ा था वो काम आया है नहीं ठीक है रटना तो इसलिए पढ़ रहा है ना कि कम टाइम में आपको ज्यादा काम करना है अगर इस पे आप एक दो दिन दे दें जिक्स एंड फिक्सर पे तो रटना नहीं पड़ेगा समझ में आ जाएगा चलिए खैर इसको मैं साफ कर रहा हूं तो लोकेशन आपको समझ में आ गया कि हमें क्या करना है कि जॉब को करेक्ट पोजिशन में लाना है और उसकी कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम या सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करनी है इसे कहते हैं लोकेशन देना इसे कहते हैं लोकेशन देना भाई जब आप किसी को लोकेशन सेंड करते हो व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम पे अपनी तो आप उसे बताते हैं आपको ना दाएं जाना है ना बाएं आपको सीधे आना है सीधे आने पर आपको एक गोल वो मिलेगा चौराहा उस चौराहे के ठीक दाई तरफ मेरा घर है ऐसी तो बताते हो लोकेशन तो बिल्कुल सही पहुंचे आपका आने वाला उसको सही आप लोकेशन सही रास्ता दें और बिल्कुल सही एग्जैक्ट लोकेशन दें इसे कहते हैं लोकेशन देना अब एक प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं थ्री टू वन प्रिंसिपल थ्री टू वन प्रिंसिपल ये थ्री टू वन क्या है बच्चों यह है नंबर ऑफ पिंस देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं पूछूं थ्री डी स्पेस में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है तो आप कहेंगे भैया बारह होती है बारह डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक है ऑफ मशीन में आपने छ पढ़ी होंगी लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में बारह पढ़ रहे हैं आप उसकी वजह है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ऊपर जाना नीचे आना ये दो डिग्री ऑफ फ्रीडम है आगे जाना पीछे जाना दो ये हो गई आपकी तरफ जाना मेरी तरफ आना ये दो हो गई तो कुछ तो टोटल कितनी हो गई बच्चों ये छह डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ट्रांसलेशन की हो गई किसी बॉडी को भाई कोई बॉडी ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है दो ये हो गई हम दो क्यों लेते हैं मैंने हम थे ऑफ मशीन में से एक लेते थे लेकिन यहां पर हम इसे दो लेते हैं क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है उसके बाद आगे पीछे दो ये चार एक आपकी तरफ एक मेरी तरफ छह तो हो गई ट्रांसलेशन इन बारह डिग्री ऑफ फ्रीडम में से छह तो हो गई आपकी ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ठीक है और अब ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए जो एक्सिस आपके मेरी तरफ से आपकी तरफ जा रहा है उसके अबाउट कर सकती है और ऐसे भी ठीक है और इसी तरीके से जो तीसरा एक्सिस है उसके अबाउट कर सकती है ये वाला जो एक्सिस है ऊपर वाला ऐसे भी रोटेट कर सकती है ऐसे भी उल्टा सीधा इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो सिक्स होती है आपकी सिक्स होती है आपकी रोटेशन rotation. रोटेशनल तो छह ट्रांसलेट आगे पीछे होना ऊपर नीचे दाएं बाएं और छह आपकी रोटेशनल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल बिल्कुल बच्चों तो हर एक्सिस के अबाउट ध्यान से देखना इस एक्सिस के अबाउट अगर एक्स एक्सिस है ये आपका वाई एक्सिस है वाई वाई और ये आपका जेड एक्सिस है जेड एक्सिस इस तरीके से ये होती है तो हर एक्सिस के अबाउट छह ट्रांसले दो दो ट्रांसलेशन और दो दो रोटेशन आपको याद रखना टोटल होती है ट्वेल्व और अब इन्हें हम सबसे पहले तीन पिन लगाएंगे फिर दो पिन लगाएंगे फिर एक पिन लगाएंगे और फिर आपका लोकेट करेंगे फिर आपका लोकेट करेंगे ठीक है तो सबसे पहले क्या कीजिए आप कुछ है यहां पर हाँ ये मान लीजिए मान लीजिए मेरी तीन उंगलियां तीन पिन हैं, ये मेरा वर्कपीस है इस तीन उंगलियों को जब मैं इस वर्कपीस को इन तीन पिनों पे ऐसे रखूंगा तो पहले मेरी थ्री पिन यूज हो गई थ्री पिन यूज हो गई है बच्चों करेक्ट अब क्या होगा कि मेरा जो कंपोनेंट है ऊपर तो जाएगा नीचे नहीं जाएगा ऊपर तो जाएगा नीचे नहीं जाएगा तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर अरेस्ट हो गई एक एक ट्रांसलेशन एक ट्रांसलेशन मान लीजिए जेड एक्सिस है ऐसे ये जेड एक्सिस है तो एक्सिस के अकॉर्डिंग ऊपर तो जाएगा नीचे नहीं जाएगा तो मेरी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम इन तीन पिन को यहां लगाने पर एक पिन यहां लगाई एक पिन यहां एक पिन यहां ये यह एक्चुअली नीचे है। अगर इस इसमें देखें आप तो एक पिन ये है एक पिन ये एक पिन ये तो ये नीचे है इस तरीके से ठीक है तो तीन पिन तो नीचे लगाएंगे आप उसके बाद दो पिन किसी वर्टिकल सरफेस पे लगाएंगे किसी वर्टिकल सरफेस पर ठीक है तो दो पिन आपने लगाई यहां एक यहां एक यहां ये यह आपका टॉप व्यू है ये साइड व्यू है ये भी साइड व्यू है तो दो पिन हमें यहां पर ये यह दिखाई दे रही हैं ऐसे मान के चलिए तो दो पिन आपने क्या करा बच्चों ऐसे लगा दी दो पिन आपने ऐसे लगा दी इधर और एक पिन एक ऐसे प्लेन पर लगाएंगे जो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर हो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर हो इसे देख लीजिए तीन पिन यहां लगाई बच्चों नीचे एक दो तीन दो पिन यहां लगाई ऐसे अब जो बची हुई एक पिन है ये वाली जो पिन है ये एक ऐसे प्लेन पे लगेगी जो इसके भी परपेंडिकुलर हो जहां पे दो पिन लगी हैं और नीचे वाले के भी परपेंडिकुलर हो जहां पे तीन पिन लगी हैं तो ऐसा कौन सा प्लेन है या तो ये मेरी तरफ वाला या आपकी तरफ वाला ये जो सामने आपको दिखाया तो एक पिन यहां लगा देंगे यहां पर मत लगा देना टॉप पे या यहां पर ना तो यहां लगेगा क्योंकि ये वाला प्लेन इसके तो परपेंडिकुलर है लेकिन नीचे वाले प्लेन के पैरल है ये वाला प्लेन इसके पैरेलल है नीचे वाले प्लेन के परपेंडिकुलर लेकिन ये वाला जो प्लेन है ये इसके भी परपेंडिकुलर है और नीचे वाले के भी परपेंडिकुलर है तो ऐसे प्लेन पे लगानी है जो कि फर्स्ट टू प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर हो करेक्ट अब ध्यान से सुनना अब ध्यान से सुनना बच्चों आ, एक सेकेंड इसे अभी कर देता हूं ठीक है और इसे थोड़ा नीचे ले आता ठीक है अब हुआ क्या क्या ये देखते हैं बच्चों जब आपने पहली तीन पिन लगाई वाली तीन पिन आपने लगाई तो आपने जो है तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर दी एक तो Z एक्सिस तीन पिन लगाओगे आप तो ये बॉडी नीचे नहीं जा अब ऊपर तो जा सकती है ना तो नीचे वाली जो ट्रांसलेशन है Z के अबाउट जेट कैलॉन्ग वो रिस्ट्रिक्ट हो गई तो एक ट्रांसलेशन जेट कैलॉन्ग रिस्ट्रिक्ट हो गई ठीक है दो रोटेशन एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग आपकी रिस्ट्रिक्ट इन तीन पिन पर अगर ये वर्क पी सखा है तो ना तो ऐसे रोटेट कर सकता आप समझ रहे हैं ना ऐसे नहीं रोटेट कर सकता और ना ही ऐसे रोटेट कर सकता ऐसे ऐसे समझ में आ गई बात तो ना तो ऐसे रोटेट कर सकता ऐसे इस एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट और ना ही इसके उल्टा तो कर ही नहीं सकता जब ऐसे नहीं कर सकता तो उल्टा भी नहीं और ना ही क्या होगा बच्चों ना ही ये आपका इस तीन पिन पे रख के ऐसे रोटेट कर सकता है वाई एक्सिस, के जो एक्सिस आपकी तरफ जा रहा है वाई एक्सिस के अबाउट तो यानी कि एक्स की दो रोटेशन और वाई की दो रोटेशन तो टोटल तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो गई फाइव तो बारह में से पांच तो यही रिस्ट्रिक्ट हो गई बारह में से तो पांच यही रिस्ट्रिक्ट हो गई बच्चों बताते रहना अगर नहीं समझ में आया दोबारा बता दूंगा उसके बाद दो पिन आपने इधर लगाई इधर दो पिन आपने इधर लगाई तो जैसे दो पिन इधर लगी तो क्या होगा बच्चों कि वर्कपीस इधर तो जा सकता है इधर नहीं जा सकता तो एक ट्रांसलेशन आपकी एक्स के अलॉन्ग फिक्स हो गई यानी कि इधर तो जा सकता है एक्स एक्स में इधर नहीं जा सकता क्योंकि तीन पिन यह है दो यहां है अब इधर नहीं जा सकता है तो एक एक्स के अबाउट ट्रांसलेशन आपकी अरेस्ट हो गई दूसरा दूसरा जो जेड के अबाउट तीन पिन रखने के बावजूद भी घूम रहा था नीचे तीन पिन रखी उसके बावजूद भी ये जेड के अबाउट तो घूम ही सकता था ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक वाइज ऐसे अब जब ये दो लग जाएंगे अब नहीं घूमने का ये अब नहीं घूमेगा बच्चों नहीं घूमेगा तो जेड के अलोंग आपकी रोटेशन आपकी क्या हो गई बच्चों फिक्स हो गई तो तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां हो गई आपकी फिक्स तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां हो गई की दो होंगी ना प्लस माइनस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इनकी दो होंगी प्लस माइनस प्लस माइनस क्लॉकवाइज को प्लस लो, को एंटी क्लॉकवाइज मान लो है ना फाइनली वन पिन अब जो पिन देखिए दो यहां लगा तीन नीचे लगाई दो साइड में अब एक इधर लगाएंगे आप या मेरी तरफ से एक इधर लगाएंगे तो अब क्या होगा अब क्या होगा बच्चों अब ट्रांसलेशन जो है वाई के रेस्पेक्ट में अब ऐसे चल सकता था ना ऐसे ऐसे चल सकता था लेकिन जब तीन लगाई तो भी ऐसे ऐसे चल रहा था जब दो लगाई तब भी ऐसे ऐसे मूव हो सकता था लेकिन जब एक इधर लगा देंगे तो मेरी तरफ तो आएगा आपकी तरफ नहीं जाएगा तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी यहां पे फिक्स कर दी तो टोटल कितनी डिग्री अरेस्ट कर दी आपने नौ तो बची कितनी बारह थी उसमें से नौ गई बची कितनी तीन तो नौ डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपको अरेस्ट करनी है तो थ्री टू वन प्रिंसिपल आपको यूज करना होगा समझ में आई बात बच्चों यस yes. समझ में आया नहीं 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 विशाल ऐसा नहीं है ऐसा ऐसा नहीं है मेरे बच्चे ये तो यहां समझने के लिए लेकिन टू रोटेशन का मतलब है एक्स एंड वाई के अबाउट तो पांच डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां तीन यहां एक या आप ऐसे याद कीजिए एक ट्रांसलेशन दो रोटेशन अब दो रोटेशन एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है ना तो वो चार हो गई ना दो की बताइए थम्स अप करके बताइए समझ में आया या नहीं जल्दी से बताइए मुझे ऊपर से जा रहा है ऊपर से क्यों जा रहा है बेटा ऊपर से क्यों जा रहा है अरे भैया फिर से समझिए फिर से समझ आज आपको समझा के जाऊंगा यहां से ये वर्क पीस है ये ऊपर जो वर्टिकल जो आपको दिख रहा है एक्सिस जिससे जेड मानिए Osionfish. ये वाला एक्सिस एक्स हो गया और आपकी तरफ और मेरी तरफ वाला एक्सिस हो गया वाई तो ये जब इस पर कोई भी पिन नहीं है यह हवा में लटका हुआ है तो इधर भी जा सकता है एक्स के इधर भी जा सकता है दो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाई पे इधर भी जा सकता है इधर भी आ सकता है दो डिग्री ऑफ फ्रीडम जेड पे इधर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है छह डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स के अबाउट ये वाला जो एक्सिस है इसके अबाउट ऐसे रोटेट करेगा ये क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज़

कि ये Z एक्सिस के कैलाउ ऊपर जा सकता है नीचे नहीं जा सकता तो एक ट्रांसलेशन आपकी फिक्स हो गई एक ट्रांसलेशन आपकी फिक्स हो गई ये अरेस्ट हो गई अब ठीक है अब ये हो गई तीन अच्छा इससे Z की एक ये वाली नीचे जाने वाली रिस्ट्रिक्ट हो गई अब देखो X के अबाउट ये ऐसे रोटेट करता लेकिन अगर नीचे तीन पिन है तो थोड़ी रोटेट करेगा भाई पिन को लेके थोड़ी घूम जाएगा या ऐसे तो एक्स के अबाउट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो ये अरेस्ट हो गई दो ये अरेस्ट हो गई एक्स के अबाउट और वाई जो आपकी तरफ था एक्स मेरी तरफ उसके अबाउट ना तो ऐसे रोटेट होगा ना ऐसे रोटेट होगा तो दो ये हो गई तो टोटल तो कितनी हो गई पांच डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट हो गई या नहीं पांच डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट हो गई या नहीं क्लियर अच्छा अब दो पिन आपने इधर लगा दी दो पिन आपने इधर लगा दी अब जेट के अबाउट इसे ऐसे ऐसे घूमना था है ना तो जैसी दो पिन यहां लगाई तो अब नहीं घूमेगा ये जेट के अबाउट भाई अब पिन से टकराएगा ना तो घूम नहीं पाएगा तो दो पिन जैसी आपने यहां लगाई तो Z के अबाउट रोटेशन ब्लॉक हो गया चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज <laughs> तो दो रोटेशन की आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट हो गई ऐसे अब एक्सिस एक्स 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 के एक्स एक्सिस के इधर तो जा सकता है लेकिन दो पिन लगने की वजह से इधर नहीं जा सकता तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी यहां अरेस्ट हो गई तो टोटल तीन हो गई टोटल तीन हो गई करेक्ट फाइनली जब एक पिन मान लीजिए आपने ऐसे लगा दिया अब ए पिन ऐसे लगाई ऐसे ऐसे अब नोटिस कीजिए ये वाई के अबाउट ना इधर जा सकता इधर जा सकता है नहीं ना भाई अगर एक पिन इधर लगी है जब दो पिन लगी थी और तीन पिन लगी थी तो ये वाई के अबाउट इजीली ऐसे ऐसे हो सकता था लेकिन अब दो पिन जब यहां लगी है तीन पिन नीचे और एक यहां लगी है तो वाई के अबाउट वाइट वाई, वाई एक्सिस के लॉन्ग मेरी तरफ तो आ सकता है आपकी तरफ नहीं जा सकता इधर पिन लग गई है तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी यहां अरेस्ट हो गई तो टोटल कितनी होगी फाइव प्लस थ्री प्लस वन यानी कि नाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट हो चुकी अब बताइए समझ में आया या नहीं समझ में आया या नहीं बेटा इसे करके देखिएगा आप इसे करके देखना बेटा आप इसे करके देखना बेटा आप।, कर आप ठीक है इसी तरीके से इसी तरीके से प्यारे बच्चों एक सेकेंड अब मैं इसे साफ कर रहा हूं और इसे इधर ले आ रहा हूं इधर ले आया अब इसी तरीके से प्यारे बच्चों हम देखेंगे वी ब्लॉक पर वी ब्लॉक पर ये वी ब्लॉक है और उसके ऊपर ये सर्कुलर स्पेसिमेन या रॉड रखी है भाई अब रॉड की भी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी स्पेस में ट्वेल्व लेकिन अगर इस रॉड को वी ब्लॉक पे अगर आपने रख दिया तो क्या होगा ये रॉड रेसिप्रोकेट हो सकती है ऐसे ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर भाई वी ब्लॉक पे आपने ऐसे रॉड रख दी तो ऐसे ऐसे हो सकती है या फिर रोटेट कर सकती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो यानी कि आगे पीछे हो सकती है दो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये रोटेट कर सकती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो दो ये तो सिर्फ चार डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके अलावा और कोई मोशन नहीं है है कोई इसके अलावा यस yes, है इसके अलावा यह है बच्चों कि इस रोड को ऊपर भी ले जा सकते हैं आप तो प्लस ये प्लस ये बस ये पांच डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्री है यह पांच डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्री है। बाकी, है बाकी सारी अरेस्ट हो गई है बाकी सारी अरेस्ट हो गई है कितनी बची सेवन सेवन डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट हो जाती है जब किसी सिलेंडर ब्लॉक को आप वी ब्लॉक में रखते हैं बाकी सब रहती हैं। पांच रहती हैं लेकिन सेवन डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट हो जाती है समझ में आई बात भाई ये रॉड आगे पीछे जा सकती है दो तो ये फ्री है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकती है ऐसे और कहीं नहीं रोटेट कर सकती भाई ये रॉड है ना रॉड ये अगर वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी ऐसे रोटेट करेगी एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो एक ही जगह पर ऐसे रोटेट करेगी जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो ऐसे करेगी ऐसे तो सिर्फ ये क्या होगा जो एक्सिस इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट ये आपका रोटेट कर सकती है बाकी नहीं कर सकती तो फाइव डिग्री ऑफ आप फ्रीडम आपकी यहां पर फ्री है इसके अलावा बचती कितनी है ट्वेल्व माइनस फाइव यानी कि सेवन डिग्री ऑफ आप फ्रीडम आपकी अरेस्ट हो गई है अरेस्ट हो गई बताइए समझ में आया या नहीं यस बताइए बेटा बताइए अशोक अब देखो हमें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ही अरेस्ट करना है तो तीन पिन से कर सकते हैं या पांच पिन से हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेटा लेकिन कॉस्ट भी तो एक चीज होती है ये पिन बहुत महंगी होती है हाँ ये तो हो सकता है सर आई एम फर्स्ट टाइम वाचिंग दिस चैनल ओके परमार प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल हा परमार सर आई एम द इंजीनियर मतलब सस्ता और एक्यूरेसी ब्रो हां अशोक ने बड़ी अच्छी बात कही है सस्ता और एक्यूरेट ठीक है क्या ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए एक बार हां या ना लिख के बता दो मुझे बेटा या तो हां बता दो या ना बता दो जल्दी से बता दो बेटा क्या ये समझ में आ गया आप लोगों के मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का गौरव अभिषेक विशाल जितने भी बच्चे हैं प्लीज हां या ना लिख के बताइए क्या ये प्रिंसिपल समझ में आ गया वी लोकेटर का भी और थ्री टू वन का भी थ्री टू वन का भी बताइए जल्दी से यस एवरी वन ओके 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 ठीक है समझ में आ गया बेटा समझ में आ गया है और भाई बाकी कुछ बच्चे तो भाग ही गए आज यही प्रॉब्लम है आप लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है प्रॉब्लम यह है कि आप डरते हैं पढ़ने से अगर मैं अभी सोम पढ़ाने लगू ये राहुल सर या मैं कुछ और पढ़ाने लगू मान लीजिए मैं आपको थर्मोडाइम्स पढ़ाने लगू आप आ जाओगे सौ डेढ़ सौ बच्चे लाइव लेकिन जहां एक ऐसी नई चीज आई आपके सामने आपके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं कि यार ये क्या चीज है और सिलेबस में है तो पढ़ना है और यही वो क्वेश्चन है जो टॉपर्स पढ़ते हैं और हम लोग नहीं पढ़ते गौरव नो सर नो सर गौरव के नहीं समझ में आया बेटा क्या समझ में नहीं आया गौरव प्लीज मुझे अपनी क्वेरी लिख के दो जल्दी से क्या समझ में नहीं आया आपको इसमें यह बताइए मुझे थ्री टू वन समझ में नहीं आया या ये समझ में नहीं आया गौरव सर मैंने अभी वीडियो देखी है बाद में दोबारा देखो हाँ देखो जिससे समझ में नहीं आया एक बार फिर से देखे वो अगर नहीं समझ में आया है बेटा आपके तो फिर से इस वीडियो को देखना उसके पहले का तो नहीं समझ में आया होगा अशोक बिल्कुल जिसके समय बेटा गौरव प्लीज थ्री टू वन <laughs> थ्री टू वन बेटा एक बार फिर देखना वीडियो और गौरव अगर नहीं आया ना तो मेरे से स्पेशल टेलीग्राम में पूछना मैं आपको फिर लाइव आके बताऊंगा डोंट वरी ठीक है चलिए बच्चों तो ये था आपका का सेशन और इस सेशन में प्यारे बच्चों हमने के उन टॉपिक को छुआ जिन्हें हम पढ़ना नहीं चाहते या नहीं पढ़ते कुछ भी कह दो ठीक है, ठीक है गौरव प्लीज वॉच दिस वीडियो अगेन आप समझ में आ जाएगा थोड़ा धीरे करके देखना वीडियो समझ में आ जाएगा वैसे तो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं ओके तो चलिए बच्चों ये हो गया इसके ये जो पीडीएफ है इसकी ये अपलोड कर दूंगा मैं आज किस पर आ, आपकी ऐप में यूट्यूब वाले सेक्शन में आप ई e नोट्स करके देख सकते हैं वहां मिल जाएगी ठीक है चलिए कल को किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे आप लोगों के साथ तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट